नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झांसी से पीपीए न्यूज़। मैं आपको झांसी के ऐसे उभरते हुए सितारे से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो राजनीतिक गलियारों में युवा पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन मौजूद हो रहे हैं। आइए आपको मिलाता हूं। सर, आपका नाम क्या है? महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सर, तहवीर जी, आपसे सवाल का था कि आप इस पार्टी आपने कब से ज्वाइन की? हमने अपने छात्र जीवन से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला पद विधानसभा का अध्यक्ष छात्र सभा का रहा जी। उसके बाद बाकी पद मिलते गए तो पार्टी ने मुझे 2012 के बाद नॉमिनेट मेंबर बनाया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, सुनते भी रहे जी। बहुत से पद वाले जो इस पार्टी में की तरफ से मुझे मिले और वर्तमान में मुझे महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी समाज पार्टी की तरफ से दी गई। आप अपनी पार्टी के लिए अभी वर्तमान में आपकी 2022 के इलेक्शन में क्या देखिए, हमारी तैयारी ये है कि जब हमारी सरकार 2012 से लेकर 2017 तक रही जी, तो हम झांसी के मुताबिक ही बात करें अगर जी, तो हमारी पार्टी में बहुत से कार्यक्रम है जिसमें B2 की श्रेणी का दर्जा देना, सीकरी का उपलब्ध देना, रोडों का चौड़ीकरण करना, सुंदरीकरण करना, पार्क बनाना, यहाँ तक कि वर्तमान में जो कोविड कोरोना वार्ड जो अभी चलाया जा रहा है जी, वो भी हमारे 500 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी, जो तत्कालीन उस टाइम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। उन्हीं ने प्रस्ताव दिया था इसका और उन्हीं के टाइम पर कार्यक्रम ये संपूर्ण हुआ भी था। और ऐसे बहुत से कार्य हैं झांसी में, आप जैसे कि 100 डायल झांसी में सुचारू रूप से प्रभावशाली तरीके से उस टाइम लागू कराई थी। आप सोचिए कितने लोगों को उस टाइम न्याय मिला होगा, जो उस टाइम अपराधों से उत्पीड़न होता होगा, जिन लोगों का 100 आपने डायल किया, आपके घर तक पुलिस आती थी, 108 एम्बुलेंस। उस टाइम आप देखिए अगर कितने लोगों का रोड पर एक्सीडेंट होता था, बहुत से लोग डर के मारे मरीजों को उठाते नहीं थे कि भाई पुलिस किसी तरह फंसाना चाहिए या कुछ किसी तरह रखते, तो आप देखिए भले उस टाइम आदमी निकल जाता था लेकिन 108 फोन करते थे फलाने मिले, फलाना शख्स पड़ा हुआ उठा लो, यानी कितने माओ के बच्चों की जिंदगी बच गई। तो आप ऐसे आदमी क्या कहेंगे, फरिश्ते ही कहेंगे कि भाई जो आदमी आपकी जान के लिए सोचे, आपकी हिफाजत के लिए सोचे और हर जगह खुशहाली लाने का कार्य करे, आपके लिए रोजगार के अवसर बनाए, इतने सारे लैपटॉप बांटे। आज आप देखिए वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जी, तो आप ये सोचिए कि कितनी दूरदर्शिता उस जमाने में थी कि आप उन्होंने उस टाइम उस चीज़ को भांप लिया था कि आने वाला वक्त इंटरनेट का है, बच्चों को लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में कभी भी। तो उस जमाने में भी आज से 3-4 साल पहले उन्होंने झांसी में लैपटॉप बांटे छात्रों को, जो पास आउट कन्याधन दिया गया, वृद्धा पेंशन दी गई, इस तरह बहुत सारे कार्य समाजवादी पार्टी ने हमारे सरकार रहते हुए करें। तो इन कार्यों को ही लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और हम तो ये कहते हैं कि भाई आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जनता उनसे सवाल करे कि आपने पिछले 3.5 साल में आपने क्या कार्य किया। हम तो अपना जो कार्य है वो लेके जनता के सामने जा रहे हैं, जैसा हमने ये किया था। अब 2017 के बाद जो वर्तमान सरकार है उसने क्या किया, जनता उनसे सवाल करे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, आने वाले वक्त में 2022 में जनता इस चीज़ का हिसाब किताब सत्तारूढ़ पार्टी से देगी और हमारी पार्टी को पुरजोर वोट करेगी। 100% या 110% हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बन रही है और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अच्छा, ये अभी जो झांसी में कोरोना चल रहा है जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना चल रहा है, इसमें आप खुद ही देखिए सरकार का कितना फेलियर है, ऑक्सीजन किल्लत आ रही है जी, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कत बढ़ती जा रही है। तीसरी बात ये कि भाई जो मरीज संक्रमित होते हैं उनके लिए आज पर्याप्त वेंटिलेटर्स नहीं है और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो आपके क्या नाम नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आज के लिए उसकी कोई तैयारी नहीं है आपके पास, ना ऑक्सीजन प्लांट आपके पास वर्तमान में जी जी। अगर ऑक्सीजन की किसी को जरूरत पड़ती है, मरीज को ऑक्सीजन कमी पड़ती है, तो उसका क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो कि ऑक्सीजन कमी से उसका जान पर कितना खतरा बना रहे हैं, वेंटिलेटर ना होने के कारण मरीज जाने कितने मर जाएंगे और वर्तमान में जाने कितनी मौतें हो भी नहीं। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 500 बेड का अस्पताल तो आज से 5 साल पहले बनाने के लिए कर दिया था जी। आप दूरदर्शिता का उनके अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो जानते थे आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है और हम लोगों ने उसकी तैयारी उस टाइम कर ली थी। अब इंशाल्लाह सरकार बनती है तो इंशाल्लाह हम लोग नए नए अस्पताल बनाएंगे, नए नए स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चालू करेंगे, नए नए वेंटिलेटर स्थापित करेंगे, ICU बनाएंगे और भविष्य में जितना हो सकता है स्वास्थ्य लेकर जनता के हित में वो कार्य करेंगे। झांसी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को और झांसी की जनता के लिए? हमारा ये संदेश है और पूरे समाज के लिए, जितने भी समाज यहाँ पे रहते हैं उन सबके लिए संदेश है कि हम सब भारतीय हैं, भारतीय आपस में भाई भाई होते हैं और
आप बंटवारे की नीति जो करते हैं उनकी तरफ ना जाके, जो समाजवाद की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, आप उनकी तरफ आइए। आप उनकी नस्लों में से हो, भगत सिंह की नस्लों में से हो, आप असदुल्लाह खान की नस्लों में से हो, आप चंद्रशेखर आजाद की नस्लों में हो, आप गांधी के वंशज हो जिन्होंने हमेशा समाजवाद का नारा दिया, आप नेताजी के मानने वाले हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की टीचिंग को हम फॉलो करते हैं, विकास के अध्यक्ष जी की टीचिंग को हम फॉलो करते हैं और आलम खान साहब की टीचिंग को हम फॉलो करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि हम ये चाहेंगे कि हम समाजवाद की स्थापना करें और जो बांटने का कार्य करते हैं उनसे हम दूरी बना के 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करें और आने वाले वक्त में अपने समाज को बेहतर और अच्छा बनाए। ये तनवीर आलम साहब आप देख रहे थे झांसी की बीपीओ न्यूज़ शराब जी के साथ।